क्यों कर रही हो ये सब? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? दौलत, शोहरत, इज्जत, ये मान, जहां जाती हो हजारों लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हें फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया और तुम ये सलाह दे रही हो? एक बेहतरीन साथी, एक हम सफर का मतलब, एक शोहर का बेवी को इज्जत, शोहरत, दौलत, जेवर, पैसा, घर देना नहीं होता चाहिए। एक शोहर का मकसद उसे उसे फर्श से उठा के अर्श पे रखना नहीं होता। यह बीवी का रिश्ता है तमाहत का, प्यार का, भरोसे का, यकीन का होता है, लेकिन अब वो आप में नहीं रहा, बदल गए ना आप, इसलिए सारे रिश्तों को भूल चुके हैं। मेरी गलती थी, सर मेरी गलती थी जो सड़क की धूल को उठा के सर पर जगह दे दी। एक बात याद रखना, ये जो तुम इतना अकड़ रही हो ना मेरे साथ, ये सिर्फ मेरी वजह से, वरना तुम क्या थी? एक मामूली सी इंश्योरेंस कंपनी की एम्प्लॉय जो चंद हजार के लिए जूतियां चटखाती फिरती थी। तुम्हारी तो औकात बदल के रख दी मैंने। बहुत शुक्रिया मुझे मेरी औकात याद दिलाने का, लेकिन तकलीफ दे बात ये कि सब बातें सच है शहीर। बड़े बुजुर्ग ठीक कहते हैं, एक मर्द की मोहब्बत पहाड़ी झरने जैसी होती है, जो रवा दवा नहीं रहती, रुक जाती है। लेकिन एक औरत, उसकी मोहब्बत एक नदी की तरह होती है जो बहती जाती है, बहती जाती है, कभी खत्म नहीं होती। ये मेरी मोहब्बत है, मेरी बेटी को लेके, आपको लेके, जो मुझे फौंक रही है, वरना मैं ये सब बर्दाश्त कभी नहीं करती। You know what? तुम्हारा हो गया दिमाग खराब, इसलिए मेरे पास तुम्हारी बातों का जवाब नहीं। आखिरी बार कह रहा हूँ, खुद भी सुकून से रहो और मुझे भी जीने दो। ज्यादा शोर मचाओगी ना तो नुकसान तुम्हारा अपना ही होगा, क्योंकि सज्जल को मैं किसी कीमत पे छोड़ने वाला नहीं। ऐसा नहीं होगा शहीर,